Welcome to Time News Studios. You are watching 1 p.m. Bulletin. सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी ना अहली लाइ सिंध हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल। सिंध असेंबली में ऑपोज़िशन लीडर हलीम आदिल शेख दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त 2013 में सुप्रीम कोर्ट मिटी शहरियत केस में मुराद अली शाह खे ना अहल करार ॾिनो हो। ना अहली बावजूदु मुराद अली शाह चूंडुनि में हिसो वरितो ऐं कामयाबु थियो। हाणे हू सादिक ऐं अमीन नाहे रहियो। अदालत खां आर्टिकल 62 तहत मुराद अली शाह खे मुस्तक़िल ना अहल करार ॾियण जी इस्तदा। हलीम आदिल शेख ऐलान कयो आहे त मुराद अली शाह ख़िलाफ़ हर हफ़्ते हू आइनी पेटिशन दाख़िल कराईंदो रहंदो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे सियाहती माग नारान पहुची तकरीब खे ख़िताब। इमरान ख़ान वणकारी मुहिम दौरान ॿूटो लॻायो। इमरान ख़ान चयो त दुनिया जे कंहिं बि मुल्क में पाकिस्तान जेतिरी ख़ूबसूरती नाहे। असांखे पंहिंजी सियाहत खे वधाइणो पवंदो। सिंध में कोरोना केसिस में घटिताई अचण बाद दरगाहूं खुली वयूं। दरगाह कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ऐं ॿियूं दरगाहूं ज़ायरीन लाइ खोलियूं वयूं। समाजी विथी ज़ायरीन ऐं अमले लाइ मास्क इस्तेमालु करणु लाज़मी करार। इनडोर जिम्स, स्विमिंग पूल्स ऐं पार्क्स बि खुली विया। सिंध में कोरोना केस घटिजण बावजूदु फौतकियुनि जो अंगु घटि नाहे थियो। शहरी कोरोना एसओपीस ते सख़्ती सां अमल सां गॾु वैक्सीन बि लॻाराइनि। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो सूबाई टास्क फोर्स जे इजलास में ॻाल्हियूं। इजलास में ब्रीफिंग ॾिनी वई त कराची समेत समूरे सूबे में कोरोना केस जी शरह घटिजी वई आहे। सिंध खे हिल ताईं कोरोना वैक्सीन जा 41,75,997 डोज़ मिलिया, जिन मां 33,20,251 इस्तेमालु थी चुका। सिंध हाई कोर्ट आमदनी खां वधीक असासनि वारे रेफरेंस में सिंध असेंबली जे स्पीकर आगा सिराज दुरानी जे पुट आगा शहबाज़ ऐं ॿियनि खां जांच ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते नैब खां जवाबु तलब करे वरितो। जवाबदारनि जे वकील मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त परदे जुर्म लाॻू थियण खां पोइ वधीक जांच कीअं करे सघिजे थी। अदालत नैब खे जवाबु जमा कराइण लाइ 15 ॾींहनि जी मोहलत ॾींदे ॿुधणी 26 जुलाई ताईं मुलतवी करे छॾी। वज़ीर आज़म जे पार्लियामानी मामलनि वारे सलाहकार बाबर अवाण जो चवणु आहे त शहबाज शरीफ जी ख़्वाहिश आहे त समुंड पार पाकिस्तानियुनि खे वोट जे हक़ खां महरूम कयो वञे। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम जे उबतड़ ऑपोज़िशन लीडर जी तजवीज़ तौहीन अदालत आहे। चूंड सुधारनि बाबति हुकूमत जा ऑपोज़िशन लाइ दर खुलियल आहे। पीपल्स पार्टी अॻवान शाज़िया मरी जो चवणु आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी आज़ादु कश्मीर में चूंड मुहिम हुकुमराननि जूं निंडूं हराम करे छॾियूं आहिनि। फवाद चौधरी माज़ी में मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ में रहियो, मुस्तक़बिल में कंहिं पार्टी जो हिसो थी सघे।
कराची में नसला टावर ड्राहण वाले फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्तू दाखिल। नसला टावर के बिल्डर ए रहवासन बैरिस्टर सलाहुद्दीन मार्फत दाखिल दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार कर नसला टावर की जमीन कानून मौजिब है। सुप्रीम कोर्ट पैंजे फैसले से नजरसानी कर बेघर थियण का बचा। लाहौर धमाके की जांच में अहम अगभराई। जौहर टाउन में बारूद से भरल कार पार्क कंदर जवाबदार ईद गुल रावलपिंडी में गिरफ्तार। पुलिस जरियन केस में मुख्य जवाबदार पीटर पॉल डेविड धमाके में इस्तेमाल थियल कार ईद गुल के दिनी हुई। जवाबदार ईद गुल के जांच लाय मुंतकिल कियो वियो जिते पीटर पॉल सनस सुञाणप करे वरती। जौहर टाउन धमाके में टे जणा जल जो शिकार ए 24 जणा जख्मी थिया। आमदनी का वधिक असासन वाले केस में PPMNA खुर्शीद शाह सनस पुट फारूख शाह ब्या सखर की अदालत में पेश। फारूख शाह के बख्तर बंद गाड़ी खुर्शीद शाह के एम्बुलेंस जरिए अदालत आंदो पो। अदालत बहरा मीडिया से गलाइंदे खुर्शीद शाह पार्लियामेंट में मायूस थी चुको है। पार्लियामेंट में जो कुछ थी रो है यो बर्दाश्त जो गुण है। कराची की दहशतगर्दी टोड़ अदालत बहरिया टाउन धरने केस में गिरफ्तार पंज जवाबदार के 6 दिन के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर छोड़ो। जांच ऑफिसर अदालत के बुधायो तो जवाबदार से ATM मशीन स्टोरण भनड्रा समेत संगीन नौई जहा इल्ज़ाम जिन मटा हथियार भी हथाया। जवाबदार में अमीर अब्बास माशूक शफकत परवेज हैदर अब्बास शामिल है। सिंध में रेलवे ट्रैक की हालत खराब होजन सबब ट्रेनों की रफ्तार घटाई पड़ी। रेलवे इख्तियार की रिपोर्ट मूजिब कराची खां पंजाब वेंदड़ अप ट्रैक से टंडो आदम खां खानपुर तई 456 किलोमीटर्स में 153 किलोमीटर ट्रैक सख्त मुतासर है। खानपुर खां टंडो आदम तई 181 किलोमीटर डाउन ट्रैक की हालत भी खराब करा। सखर डिवीजन में भी 46 हंधन से रेलवे ट्रैक खराब। ट्रेनों की स्पीड घटने सबब हाँ 1 कलाक वो सफर 2-2.5 कलाक में पूरो थियण लगो। कराची के इलाके कोरंगी अलावाला टाउन में 4 माड़ इमारत में डार पैची गया। इंतजामिया इमारत के रिहायशन का खाली कराए सील कयो। इलाके वासन मौजूद इमारत 2 साल अग 94 गज के प्लॉट से तामीर थी। बलोचिस्तान असेंबली आरो हंगामे केस में ऑपोजिशन पार्टीज या मेंबर्स 8 ने बिकोटा के बिजली रोड थाने से मौजूद। सूबाई घरू वजीर की खातरी बावजूद केस अन्या तई वापस नहीं वरतो। गड़ी खैरो भरसा भतियाणी बिरादरी की बिन धुरन में छेड़े ता नौजवान मारजी पो। गोट हुसैन शाह में धुरन एक बे मथा हथियार मुंह खोले छड़ा। नौजवान सना भतियाणी जो लाश अस्पताल मुंतकिल। धुरन में छिकताण सबब इलाके में दहकाव पकड़ल। कंदकोट में मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदन की फायरिंग में ईसा पठान नाले नौजवान मारजी पो बजणा जख्मी। केन शाह में नारी के अगवा कर इज्तमाई ज्यादती निशानों बढ़ाने की तस्दीक। पुलिस दादू की अदालत में रिपोर्ट जमा कराए छी। केस की बुधनी दौरान मुतासर नारी के भाव अदालत में बुधा त जवाबदार दिलबर अक्रम चांडियो भेण के अगवा कर जिन्सी ज्यादती जो निशान फड़ाया। पुलिस जवाबदार के अना तई गिरफ्तार ना कर। शहदादकोट में गुजरल ढी पुरसार नमूने गुम थल मासूम नींगर जो पानी की खड में लाशर। 8 वरन के फरहान मक्सी के जिस्म से तशद ज निशान नजर अचण बाद वारसन कतल जो शख्स जाहिर कर।
मीरपुर खास के शहर डिगड़ी भरसा कोट मीरसवासी आसिफ लगारी हाई वोल्टेज पोल से चढ़ी पो मिठी ए नवकोट शहर के बिन कलाकन तई बिजली फरहमी बंद गोठान मिंथू करे हमरा के बिजली के पोल ता हेठ लाथो पुलिस खेस थाने से मुंतकिल कर छो। पुलिस मौजिब आसिफ लगारी कुछ ना ही बुधायो त हुन एड़ो कदम छो खयो जांच कई पी वे। ठठो के शहर मीरपुर साकरो में पानी खोट खिलाफ आबादगारन जो लधिया स्टॉप वट धरणो ट्रैफिक मौतल। आबादगारन जो चवण है त पानी खोट सबब सारियालो बेजारो सड़ी वो है नोटिस वी पानी दिनों वे। अस्सलाम वालेकुम टाइम न्यूज़ सगत माया हमीर शेख हेडलाइंस हवाले थियो तफसीली खबरों न प्रिंट करता।